पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान मनाया जा रहा राखी का त्योहार इस वर्ष कोरोना की वजह से फीका है। मान्यता है कि भाई बहन के इस पावन पर्व पर गांव-गांव में रीति रिवाज के स्वरूप श्रवण कुमार को राखी बांधकर पानी पिलाती है, क्योंकि जब श्रवण कुमार की बाढ़ लगने से मौत हुई थी तब वो प्यासे थे और माता पिता को पानी पिलाकर फिर पानी पीते थे, पर बिना पानी पिए ही उनकी मौत हो गई थी। इसीलिए सभी बहनें पहले श्रवण कुमार को पानी पिलाती है ताकि क्षेत्र में अधिक बरसात हो इस दिन, और श्रवण पूजा का भी विधान है। इस दिन सभी सनातनी लोग श्रवण कुमार का पूजन करते हैं। सामान्य तौर पर वे उस दिन नदी आदि के तटवर्ती स्थान में जाकर यथाविधि स्नान करते हैं, कुशा निर्मित ऋषियों की स्थापना करके उनका पूजन तर्पण और विसर्जन करते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को नेत्रहीन माता पिता का एकमात्र पुत्र श्रवण कुमार एक बार रात्रि के समय जल लाने गए थे। वहीं कहीं हिरण की ताक में दशरथ जी छुपे थे। उन्होंने घड़े के शब्द को पशु का शब्द समझकर बाण छोड़ दिया, जिससे श्रवण की मृत्यु हो गई। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत दुखी थे। तब दशरथ जी ने अज्ञानवश किए हुए अपराध की क्षमा याचना की। उन्होंने श्रवण के माता पिता को आश्वासन दिया कि वे श्रावणी को श्रवण पूजा का प्रचार प्रसार करेंगे। अपने वचन के पालन में उन्होंने श्रावणी को श्रवण पूजा का सर्वत्र प्रचार किया। उस दिन से संपूर्ण सनातनी श्रवण पूजा करते हैं और उक्त रक्षा सूत्र सर्वप्रथम श्रवण को अर्पित करते हैं। नमस्कार, मैं रिद्धि माँ पुष्पा, आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राखी में भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं, और सबसे बड़ी मान्यता है तो यह है कि राखी पे श्रवण कुमार को सबसे पहले पूजा जाता है। इसको पूजने से बारिश भी आती है, और श्रवण कुमार ने निश्चित किया था कि वह अपने माता पिता को कावड़ में बिठा के तीर्थ यात्रा कराएगा। तो उनके माता पिता को प्यास लगी थी तो वह जल पात्र में जल लेने गए थे, और तभी पीछे से राजा दशरथ ने उनको बाण लगा दिया था। और फिर वह बाण लगा के कहा कि श्रवण कुमार ने कहा कि तुम मेरे पिता माता पिता को प्यास लगी है तो तुम उन्हें पानी पिला दो। वो पानी पिलाने गए तो उनके माता पिता ने उन्हें श्राप दिया कि जैसा तुमने हमारे पुत्र के साथ किया था वैसा तुम्हारे पुत्र के साथ हो। और यही मान्यता है, राखी के दिन श्रवण कुमार को पूजा जाता है। और आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।